नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से हम कोई भी इंजीनियरिंग में या फिर किसी में अलग हम ITIs में हमें प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं तो किस तरह से हम अपने कोई भी प्रोजेक्ट है उसको हम बना सकते हैं। तो उसी तरह का एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है, वर्नियर हाइट गेज बनाया है हमने यहाँ पर पूरा। जिस तरह से हमारा ओरिजिनल हम मार्केट से परचेज करते हैं वही सेम हमारा वही फंक्शंस होंगे उसमें भी, और उसी तरह से पूरा वर्क करेगा। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना होगा उसमें कि जो हमारी जो वर्नियर हाइट गेज हम मार्केट से परचेज करते हैं उसका लिस्ट काउंट 0.02 mm होता है और हमने जो बनाया उसका लिस्ट काउंट 0.5 होगा। बस सिर्फ इतना ही सा ही फ़र्क होगा इसमें और जो हमारा मार्केट से परचेज करेंगे, बाकी सेम फंक्शन सेम हो गए। किस तरह से हमने उसको बनाया सभी पर सभी कुछ दिखाएंगे आज हम अपनी इस वीडियो में। तो मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्किल्स। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा वर्नियर हाइट गेज जो कि हमने पूरा अपनी वर्कशॉप में यहाँ पर ही पूरा कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं यहाँ से सारे फंक्शंस इसके सब कुछ वही फंक्शंस हैं जो हमारे ओरिजिनल जो मार्केट से परचेज करेंगे वो साइड गेज में होते हैं, सेम वही फंक्शंस हैं पूरा हमारा। ये आप देख रहे हैं ये क्लैंपिंग स्क्रू है यहाँ पर, ये क्लैंपिंग स्क्रू ये भी हमने यहीं पर बनाए हैं। उसके साथ यहाँ पे एडजस्टिंग के लिए स्क्रू बनाया हमने, ये एडजस्टिंग का स्क्रू है। उसके बाद यहाँ पर ये स्क्राइबर बनाया है हमने यहाँ पर, ये इस तरह से पूरे ऑपरेशन से हमने इसका बेस बनाया है पूरा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इस तरह से पूरा फिटिंग की है हमने, देखिए आप देख सकते हैं पूरा इस तरह से हमने इसको फिटिंग की है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने इसका लिस्ट काउंट भी पंच किया हुआ है यहाँ पर 0.5 mm इसका जो लिस्ट काउंट है। तो ये इस तरह से पूरा आप भी अपनी वर्कशॉप में कोई प्रोजेक्ट दिया जाए आपको इस तरह से अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हमने इसको किस तरह से बनाया है।